हेलो गाइस, नॉलेज जंक्शन मैप 1991 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मेट में ईएफ फ्रैक फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाएं। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आप प्रेस करेंगे, रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल EXEL, ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं एक्सेल हमारा ओपन हो गया है। तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है, देख सकते हैं कि हमारा डेटा सेव है। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। हमने स्टार्ट डेट एंड डेट टाइप कर रखा है। हमें क्या लगाना है, ईयर फ्रैक फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे सेल में, फॉर्मेट टाइप में जाएंगे, देख सकते हैं डेट एंड टाइम, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लास्ट फंक्शन हमारा ये फ्रैक, देख सकते हैं कल हमने ये फंक्शन के बारे में बताया था। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है ईएफ फ्रैक, यानी कि हमारी स्टार्ट डेट एंड डेट, इसमें जो गैप यानी कि इन दोनों में जो भी समय है उसको हमें निकालना है, यानी कि ईएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो गया है। स्टार्ट डेट वह प्रारंभिक तारीख जिसे आप गणना में उपयोग करना चाहते हैं। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे A2, देख सकते हैं। एंड डेट वह अंतिम तारीख जिसे आप गणना में उपयोग करना चाहते हैं, यानी कि ये सेल बेसिस ये हमारा वैकल्पिक है। यह गणना के लिए दिन की गिनती विधि को निर्दिष्ट करता है, तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारा स्टार्ट डेट एंड डेट जो इसके अंदर क्या है, इसमें दूरी यानी टाइम, तो वो हमारा कितना निकला है 1.5, यानी कि डेसिमल संख्या निकल के आया है, यानी कि 1 साल 5 महीना राइट आंसर है। अगर हम दूसरा तरीका जैसे इक्वल बराबर लगाएंगे ईएफ रे फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें करेंगे स्टार्ट डेट यानी ये सेल A2 कॉमा लगाएंगे, एंड डेट B2 कॉमा लगाएंगे, बेसिस ये हमारा वैकल्पिक है तो दे सकते हैं 0 या 30 या 360, ये हमारा अमेरिकी तरीका है। 1 वास्तविक, 2 हमारा 360 और 3 365 दे सकते हैं, और 4 यूरोपी तरीका। तो पहले हम यहाँ पर एक्चुअल वास्तविक मतलब एक्चुअल 1 टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ
ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं सेम राइट आंसर निकला है। अगर हम डेसिमल को इग्नोर करें, देख सकते हैं यहां से हम होम टैब पे जाएंगे, फिर यहां से डेसिमल देख सकते हैं डिक्रीज, इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, पहले हम इसको ड्रैग करके लाएंगे, ये जो प्लस का निशान है इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, तो देख सकते हैं 3.5 मतलब 3 साल 5 महीने का समय है, यानी कि कोई भी कार्य किया। इसी तरह इसमें 6 मंथ का कार्य किया है इसने, यहां पर 0.58 इसको हम डिक्रीज करेंगे तो 6 मंथ हमारा निकलेगा। इसको भी हम ये प्लस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल, हमने स्टार्ट डेट एंड डेट टाइप कर रखा है, हमें क्या लगाना है, ईएफ रेक फंक्शन इक्वल बराबर ईएफ रेक फंक्शन देख सकते हैं हमारा शो है, इस पर लुक करेंगे स्टार्ट डेट यानी कि ये सेल A8 कॉमा लगाएंगे, एंड डेट यानी ये सेल B8 कॉमा लगाएंगे, बेसिस हमारा वैकल्पिक है तो हम क्या करेंगे, इस बार हम 0 टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे 0 देख सकते हैं, तो क्या आंसर निकलेगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर निकला है 1 साल 5 महीने, इसको डेसिमल डिक्रीज कर देंगे तो लगभग 1 साल 6 महीने शो करेगा। इसी तरह हमने स्टार्ट डेट एंड डेट टाइप कर रखा है, यहां पर हम ईएफ रेक फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल बराबर लगाएंगे देख सकते हैं ईएफ रेक फंक्शन, इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट यानी ये सेल A11 कॉमा लगाएंगे, एंड डेट यानी ये सेल B11 कॉमा लगाएंगे, बेसिस वैकल्पिक है तो हम क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। अगला एग्जांपल, यहां पर हम क्या टाइप करेंगे, इक्वल बराबर लगाएंगे ये फ्रैक फंक्शन देख सकते हैं फॉर हमारा शो गया, इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट यानी ये सेल A11 कॉमा लगाएंगे, एंड डेट यानी ये सेल B11 कॉमा लगाएंगे, इस बार हम क्या लेंगे 2 देख सकते हैं एक्चुअल, क्या लेंगे एक्चुअल 360 यानी कि वास्तविक 360, तो यहां पर हम 2 टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। इसको हम इग्नोर करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे डेसिमल को, तो देख सकते हैं इसी तरह इसको भी डेसिमल डिक्रीज करेंगे,
सेम राइट आंसर निकला है। अगला यहां पर हम इक्वल लगाएंगे ई एफ रेफ फंक्शन, देख सकते हैं हमारा शो है, इसमें करेंगे स्टार्ट डेट यानी ये सेल, कॉमा लगाएंगे एंड डेट यानी ये सेल B11, कॉमा लगाएंगे बेसिस, इस बार हम जीरो लेंगे, शिफ्ट हिसाब रैकेट कोल करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं सिम राइट आंसर निकला है। अगर हम जीरो की जगह क्या टाइप करेंगे, थ्री एक्चुअल 365, ये हमारा इंडिया का है, तो क्या आंसर निकलेगा, यहाँ पर जीरो को की जगह हम थ्री टाइप करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं सेम राइट आंसर निकला है। इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं डेसिमल को, राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल C2 पर पहुंचेंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट हमने टाइप कर रखा है, हमें क्या निकालना है, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहां पर, इफ फंक्शन का, इक्वल बराबर लगाएंगे इफ फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो हो गया, डबल करेंगे लॉजिकल टेस्ट यानी कि ईएफ रेफ फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो हो गया, डबल करेंगे स्टार्ट डेट यानी कि ईएसएल A2, कॉमा लगाएंगे एंड डेट यानी ये सेल B2, कॉमा लगाएंगे बेसिस, बैकलिप का अभी हमने आपको बताया था, तो यहां पर हम क्या लेंगे 1, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, या फिर हम क्या लेंगे यहां पर ग्रेटर देन 0.5, तो हम यहां पर क्या लेंगे शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन 0.5, कॉमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू, अगर ये शेयर राइट है तो हम क्या पास करेंगे, हमें क्या निकालना है, दे सकते हैं एलिजिबल फॉर बोनस यानी कि बोनस के लिए पात्र है या नहीं, तो यहां पर हम टेस्ट पास करेंगे शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा ओपन एलिजिबल फॉर बोनस शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे वैल्यू फॉल्स, अगर ये सेल पात्र नहीं है तो हम यहां पर क्या पास करेंगे नॉट एलिजिबल, शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा ओपन नॉट एलिजिबल शिफ्ट के साथ कमा क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर क्या निकला है, एलिजिबल फॉर बोनस यानी कि बोनस के लिए पात्र है, अगर इसको चेक करना है तो यहां पर हम इक्वल ईएफ रेफ फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो है, इसको डबल करेंगे स्टार्ट डेट यानी ये सेल A2, कॉमा लगाएंगे एंड डेट ये सेल B2, कॉमा लगाएंगे बेसिस, यहाँ पर वन टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर निकला है।
अगला एग्जांपल शीट थ्री पर पहुंचेंगे। एम्प्लॉय स्टार डेट टाइप कर रखा है, हमें क्या लगाना है, बिल को फंक्शन का यूज करेंगे, बीओबी लगाना है, बॉफ यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, ईएफ है फंक्शन दे सकते हैं, इसमें बिल करेंगे स्टार्ट डेट यानी कि बिलू का फंक्शन बिल करेंगे, लुकअप वैल्यू में क्या लगाना है, बॉफ ये जो लिखा है टाइप करेंगे शिफ्ट के साइड कमा ओपन बॉफ शिफ्ट साइड कमा क्लोज कमा लगाएंगे, टेबल एरे यानी कि एम्प्लॉय स्टार्ट डेट पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे ए टू से बी फोर कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर एम्प्लॉय स्टार्ट डेट यानी टू कॉमा लगाएंगे, रेंज लुकअप फाइल सिस्टम है इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ईयर फ्रैक फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, क्या मिस्टेक हुआ है चेक करेंगे, यहां पर हम क्या रन लगाया, यहां पर कॉमा लगाएंगे, एंड डेट ये जो एंड डेट हमें यहां पर प्रेस नहीं किया है, एंड डेट हमारा ये शो हो रहा है एम्प्लॉय हैज वर्ल्ड बाई डिसंबर 31, 2023, तो यहां पर टाइप करेंगे टेस्ट पास करेंगे शिफ्ट साइड एंटर कमा ओपन 31 यानी हाइपन डिसंबर डैश टाइप करेंगे यहां पर 2023 शिफ्ट साइड कमा क्लोज कॉमा लगाएंगे बेसिस यहां पर वन टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे दे सकते आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट फोर पर पहुंचेंगे, एम्प्लॉय हेयर डेट यानी कि स्टार्ट डेट हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, यहां पर देख सकते हैं यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इंट फंक्शन कौन सा फंक्शन इंट फंक्शन का यूज करेंगे, यहां पर इक्वल बराबर लगाएंगे, पहले हम इंट फंक्शन लिखेंगे देख सकते हैं हमारा सो स्पेसिफिक करेंगे नंबर ईयर फंक्शन सॉरी ईयर ट्रैक फंक्शन स्पेसिफिक करेंगे स्टार्ट डेट यानी कि हेयर डेट इसको सिलेक्ट करेंगे बी टू कॉमा लगाएंगे एंड डेट यानी टू डे फंक्शन इसमें डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे बेसिस यानी वन टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज इंट का ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। ये जो प्लस का निशान इस पर रिल करेंगे दे सकते हैं 9
74 राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल शीट 5 पर पहुंचेंगे। एम्प्लॉय स्टार्ट डेट एंड डेट हमें क्या निकालना है, ईएफ रेफ फंक्शन के साथ ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। जबस फॉर्मूला है, अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है या फेसबुक को बोलो एडवांस वीडियो देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इक्वल बराबर लगाएंगे, कौन सा फंक्शन ईएफ रेफ फंक्शन दे सकते हैं हमारा शो इसमें रूल करेंगे। स्टार्ट डेट यानी कि ट्रिम फंक्शन इसमें रूल करेंगे। टेस्ट टेस्ट हम क्या लेंगे यहां पर, स्टार्ट डेट यानी बी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एंड डेट यानी कि ट्रिम फंक्शन टेस्ट एसएल सी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। बेसिस वन टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर निकला है। ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे, सभी का आंसर राइट निकला है। अगला एग्जांपल हैंडलिंग टेस्ट इनपुट विद ट्रिम ट्रिम बिफोर ईएफ रेफ फंक्शन का यूज करेंगे। दूसरा तरीका इसमें इक्वल बराबर लगाएंगे, कौन सा फंक्शन ईएफ रेफ फंक्शन दे सकते हैं फॉर हमारा शो इसमें रूल करेंगे। स्टार्ट डेट यानी कि यहां पर लेंगे वैल्यू डेट, क्या लेंगे यहां पर सॉरी डेट वैल्यू दे सकते हैं, डेट वैल्यू। डेट टेस्ट डेट टेस्ट हम क्या लेंगे यहां पर ट्रिम फंक्शन डबल करेंगे। टेस्ट यानी कि ये सेल स्टार्ट डेट बी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, डेट वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे। एंड डेट यानी ये सेल उससे पहले हम क्या लेंगे डेट वैल्यू फंक्शन दे सकते हैं हमारा शो इस पर डबल करेंगे। डेट टेस्ट यानी कि ट्रिम फंक्शन दे सकते हैं हमारा शो इस पर डबल करेंगे। टेस्ट यानी कि ईएसएल सी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, डेट वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे। बेसिस यहां पर वन टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। ये जो प्लस का निशान है इस पर डबल करेंगे, देख सकते हैं सेम आंसर निकला है। अगला एग्जांपल शीट 6 पर पहुंचेंगे। एम्प्लॉई हियर डेट कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर, ईएफ रेफ फंक्शन के साथ टुडे फंक्शन, ये भी हमारा जबरदस्त फॉर्मूला है। इक्वल बराबर लगाएंगे, यहां पर हम क्या लेंगे ईएफ रेफ फंक्शन दे सकते हैं हमारा शो इसमें रूल करेंगे। स्टार्ट डेट यानी टुडे फंक्शन तो हम उससे पहले क्या लेंगे हियर डेट को लेंगे बी टू कॉमा लगाएंगे। एंड डेट यानी कि टुडे फंक्शन, कौन सा फंक्शन टुडे दे सकते हैं हमारा शो इसमें रूल करेंगे। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। बेसिस यहां पर वन टाइप करेंगे,
शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में, यानी जीरो प्रेस किया हमने तो देख सकते हैं ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर निकल आया है टूटे बंधन के साथ। ये जो प्लस का निशान है स्पेल करेंगे, देख सकते हैं सभी का आंसर राइट निकला है। अगला एग्जांपल, ये ब्रेक विद ना फंक्शन, यानी कि इक्वल बराबर लगाएंगे ये ब्रेक फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो स्पेल करेंगे। स्टार्ट डेट यानी कि कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पर नाउ, या पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे B2 कॉमा लगाएंगे, एंड डेट यानी कि टुडे फंक्शन स्पेल करेंगे। हम क्या करेंगे यहां पर सॉरी ना फंक्शन का यूज करेंगे यहां पर, देख सकते हैं और हमारा सो स्पेल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे बेसिस यहां पर वन टाइप करेंगे, टू भी टाइप कर सकते हैं, जीरो भी टाइप कर सकते हैं, पर यहां पर हम वन लेंगे। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है ना फंक्शन के साथ। ये प्लस करना चाहना इसमें ट्रिक करेंगे, देख सकते हैं सभी का आंसर राइट निकला है। अगला एग्जांपल शीट 7 पर पहुंचेंगे, एम्प्लॉय हेयर डेट एंड डेट, हेयर डेट मतलब स्टार्ट डेट, कौन सा फंक्शन यूज करना है यहां पर हम इफ रेक विद इफ एरर फंक्शन, यानी कि इक्वल बराबर लगाएंगे इफ एरर फंक्शन, देख सकते हैं हमारा सो स्पेल करेंगे वैल्यू यानी कि इफ रेक फंक्शन स्पेल करेंगे, स्टार्ट डेट यानी इस सेल को सिलेक्ट करेंगे B2 कॉमा लगाएंगे, एंड डेट यानी ये सेल C2 कॉमा लगाएंगे, बेसिस वन टाइप करेंगे या जीरो टाइप कर सकते हैं या टू, तो हमने यहां पर वन लिया है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे, वैल्यू पेरर अगर ये सेल रॉन्ग है या एरर है तो हम क्या पास करें यहां पर इनवैलिड डेट, तो टेस्ट पास करें शिफ्ट के साथ एंटर कमा ओपन इनवैलिड डेट, शिफ्ट के साथ एंटर कमा क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर निकला है। ये ब्रेक के साथ ये एरर फंक्शन का यूज किया हमने, ये जो प्लस का निशान है इसमें डबल करेंगे क्योंकि ये बीच में यहां पर क्या है ब्लैंक सेल है, तो हम क्या करेंगे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, तो देख सकते हैं आंसर हमारा क्या निकला है, क्या आंसर निकला है यहां पर 6 साल 10 महीने, अगर इसको हम डेसिमल को डिक्रीज करेंगे इसी तरह यहां पर 119 देख सकते हैं, यहां पर इनवैलिड डेट लिखा है तो देख सकते हैं यहां पर इनवैलिड डेट राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल लास्ट सीट 8 पर पहुंचेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड डेट टाइप कर रखा है, हमें क्या निकालना है ये फ्रेक फंक्शन के साथ इज नंबर फंक्शन का यूज करेंगे, ये भी हमारा जबरदस्त फॉर्मूला है, चैनल पर बने रहिए, लास्ट फॉर्मूला है ये।
इक्वल बराबर लगाएंगे कौन सा फंक्शन, इफ फंक्शन दे सकते हैं हमारा सो इसमें रूल करेंगे लॉजिकल टेस्ट, यानी कि पहले हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे और लॉजिकल वन। अब हम टाइप करेंगे इज नंबर फंक्शन दे सकते हैं हमारा सो इसमें रूल करेंगे वैल्यू, वैल्यू हम क्या लेंगे यहां पर स्टार डेट दे सकते हैं बी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे लॉजिकल टू, लॉजिकल टू हम क्या लेंगे अगला सेल, तो हम क्या करेंगे ये जो सेल है एंड डेट उसके लिए हम पहले इज नंबर फंक्शन का यूज करेंगे दे सकते हैं स्पेशल करेंगे वैल्यू यानी कि एंड डेट C2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड का ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू, अगर ये राइट है तो हम क्या करेंगे यहां पर ईएफ रेफ फंक्शन दे सकते हैं हमारा सो इस पर करेंगे स्टार डेट यानी ये सेल B2 कॉमा लगाएंगे एंड डेट यानी ये सेल C2 कॉमा लगाएंगे बेसिस यहां पर बन लेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे वैल्यू पास, अगर ये सेल रॉन्ग है तो हम क्या पास करेंगे इनवैलिड डेट, क्या पास करेंगे ओपन टेस्ट पास करेंगे इनवैलिड डेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहां पर हम डेट लिखा है तो यहां पर एस और टाइप करेंगे डेट्स दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे आंसर हमारा निकला है, ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे चेक कर सकते हैं यहां पर टेस्ट लिखा है इनवैलिड डेट्स, यहां पर इनवैलिड डेट लिखा है और देख सकते हैं यहां पर इनवैलिड डेट्स राइट आंसर निकला है 2 साल 10 महीने, इसको हम डेसिमल को डिक्रीज करेंगे राइट आंसर निकला है। अगर हमारा फॉर्मूला कोई समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगर कोई फॉर्मूला या एडवांस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें, एडवांस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू।